हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रियंका, एंड आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा डीआईवाई हेयर स्प्रे बताने वाली हूँ जिससे आपके बाल हम नरिशिंग रहेंगे, शाइनिंग रहेंगे और बहुत सिल्की स्मूथ रहेंगे। तो और ये इतना अच्छा है कि ये मतलब ऐसी चीज़ों से बना जो आपके घर में इजिली अवेलेबल है, आपके कोई एक्स्ट्रा चीज़ खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। DIY हेयर स्प्रे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्प्रे बॉटल। मैंने बड़े साइज का स्प्रे बॉटल लिया है, आप अपने चॉइस से किसी भी साइज का ले सकते हो। मैंने बड़ा इसलिए लिया क्योंकि मेरा इसका बहुत यूज है, मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। तो एक स्प्रे बॉटल, एंड सेकेंड थिंग इज एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हो, मैंने यहाँ पतंजलि का लिया है, एंड बहुत सारे मार्केट में अलग अलग ब्रांड के हैं तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं है। एंड थर्ड ऑप्शन इज अ ऑलिव ऑयल। इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी मैं आपको बता दीजिए, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, वो भी कोकोनट ऑयल भी हेयर कंडीशनिंग का काम करता है। तो एंड नेक्स्ट लास्ट थिंग दैट इज अ वाटर। तो हम ये हेयर स्प्रे बना रहे हैं और ये इसको आप कम से कम एक हफ्ता रख सकते हो, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये DIY है और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा दिन तक तो स्टोर नहीं कर पाओगे। लेकिन पतंजलि अगर आप घर वाला जैसे अगर प्लांट से लेकर आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हो तो मुश्किल से 5-6 दिन चलता है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन चला सकते हो क्योंकि इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही होंगे, होते क्या होंगे, होते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्प्रे बॉटल को आप ओपन कर लो, एंड इसमें आपको 1/4 कह सकते हो वाटर, 1/4 नहीं मतलब 3/4 वाटर डालना है। देख सकते हो मैंने इतना लिया है, 3/4 ऑफ वाटर। एंड सेकेंड थिंग इज हमें इसमें डालना है ऑलिव ऑयल, लेकिन आपको अगर डालने में दिक्कत हो तो आप ड्रॉपर की हेल्प से 3 से 4 बूंद बस डालने, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर आपके बाल ऑयली ऑयली शो करेगा। तो इसमें मैं अपने हिसाब से डालूँ लेकिन आप ड्रॉपर की यूज़ से डालो। ये फिगारो का ऑलिव ऑयल है, आप किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो जैसे कि आप जानते हो। बस 3 to 4 drops ही डालना है, आप ड्रॉपर की यूज जरूर करो क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ कर दो डालने में। एंड लास्ट थिंग इज एलोवेरा जेल, तो हम डालना स्टार्ट करते हैं। इतना और इतना आप स्पेस छोड़ दो क्योंकि जब इसको मैं शेक करूंगी तो थोड़ा सा स्पेस तो होना चाहिए कि ये पूरा अच्छे से शेक हो जाए। अब मैं इसे प्रॉपर शेक करूंगी। इसे 1 से 1.5 घंटे लगेंगे शेक करने के बाद प्रॉपर सेट होने में, फिर भी आप इसे प्रॉपर अच्छी तरह से शेक कर लो ताकि ये अच्छे से काम करे। आप देख सकते हो ये बॉटल थोड़ी सी मतलब मिल्कीज है, इसलिए ये मिल्की टाइप है, इसलिए इसका इतना अच्छा दिख नहीं रहा, नहीं बाकी ये पूरी ग्रीन है। यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा स्कम आ गया है ये। तो इसको आप 1 से 1.5 घंटे रख दो रेफ्रिजरेटर में, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो अपने हेयर पर। स्प्रे बॉटल ही बेकार है, देखो ऐसे आप यूज कर सकते हो अपने हेयर्स पर, और इसको आप डेली यूज कर सकते हो, कोई वो नहीं, इशू नहीं है कि आप इसको वीकली यूज करो, ऐसे आप डेली 2 से 3 बार जितना चाहो आप यूज करते हो, नेचुरल, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज मी प्रियंका, एंड अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियोज चाहिए, DIY मेकअप वीडियो, होम रेमेडीज, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर बताओ। एंड अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड की बटन करके सब्सक्राइब करो,
एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करो कि मेरी जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ आप तुरंत उसको देख पाओ। और आप मुझे सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक